मज़मून पढ़ेंगे जिसका उन्वान है किताब पढ़ने के फ़ायदे। इसका पहला पैराग्राफ पढ़ने से पहले मुश्किल अल्फाज पर एक नज़र डालते हैं। मुश्किल अल्फाज सुकून, इजाफा, टीचर, मुस्तकबिल, रोशन, ताबनाक, मददगार, सिलेबस, कम्युनिकेट, मुश्किलात, रोज़ बरोज़, मंजिल। अब हम इसके हिज्जे करेंगे। सीन पेश सो, काफ वाव पेश कु, नून साकिन, सुकून। अलीफ ज़ेरे ज़ाद अलीफ ज़बर ज़ा, फे हे ज़बर फा, इज़ाफ़ा। टे ये ज़े टी, चे रे ज़बर चर, टी चर। मीम सीन पेश मुस, ते काब ज़बर तक, बे लाम ज़ेर बिल, मुस्तक़बिल। रे वाव पेश रो, शीन नून ज़बर शन, रो शन। ते अलीफ बे ज़बर ताब, नून अलीफ ज़बर ना, काफ साकिन, ताब नाक। मीम ज़बर मा, दाल दाल ज़बर दद, गाफ अलीफ ज़बर गा, रे साकिन, मददगार। सीन जैसे लाम ये ज़िले, बे सीन ज़बर बस, सिले बस। काफ ज़बर का, मीम ये, वाव पेश म्यू, नून ये ज़ेर नी, काफ ये ज़ेर के, टे साकिन, कम्युनिकेट। मीम शीन पेश मुश, काफ ज़ेर के, लाम अलीफ ज़बर ला, ते साकिन, मुश्किलात। रे वाव ज़े पेश रोज़, बे ज़बर बा, रे वाव ज़े पेश रोज़, रोज़ बरोज़। मीम नून ज़बर मन, ज़े लाम ज़ेर ज़िल, मंज़िल। किताब पढ़ने के फ़ायदे। किताबें पढ़ने से हमें कई तरह के फ़ायदे हासिल होते हैं। जब भी हम कोई अच्छी किताब पढ़ते हैं तो हमें दिमागी सुकून का एहसास होता है और सोचने समझने की ताकत में इजाफा होता है। गरज की किताबें हमारी सबसे अच्छी टीचर होती हैं। किताबें हमें अपने मुस्तकबिल को रोशन और ताबनाक बनाने में मददगार साबित होती हैं और अपने मकसद को मनचाही बुलंदी तक पहुंचा देती हैं। हमें अपने सिलेबस की बुक के साथ साथ अच्छी अच्छी किताबें भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि जब हम किताब पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग अपडेट हो जाता है। हर मसले का हल किताबों में मौजूद होता है। हम दूसरों के साथ अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं और हर मुश्किलात का हल ढूंढ सकते हैं और इसी तरह रोज़ बरोज़ तरक्की की मंजिलों तक पहुंच जाते हैं। प्यारे तालिबात, आज इतना ही।